के बाद स्वागत है आपका और अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर। आज पंजाब के मोगा में शिरोमणि अकाली दल की दूसरी सद्भावना रैली, पार्टी का दावा बठिंडा जैसी ही बड़ी होगी रैली, तैयारियां मुकम्मल। इससे पहले अकाली दल ने बठिंडा में की थी रैली। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस की कमान, दिल्ली में हाईकमान का फैसला, लाल सिंह बने वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अंबिका सोनी कैंपेन कमेटी की चेयरपर्सन, नवनीत सिंह बिट्टू होंगे संयोजक। मुख्यमंत्री बादल की प्रतिक्रिया, कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को अकाली बीजेपी ने उस वक्त हराया था जब वो मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होगी पिछड़ा वर्ग की अधिकार रैली। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी कर रहे हैं रैली की अगुवाई, कम से कम 1,00,000 लोगों के जुटने का दावा। फतेहाबाद में महिला एसपी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच तू-तू मैं-मैं, फतेहाबाद के अधिकारियों और विज ने की मुख्यमंत्री को शिकायत, विपक्ष ने सरकार के रवैये पर उठाए सवाल। अनिल विज एसपी विवाद के बाद फतेहाबाद जिले के करीब 100 अधिकार कैबिनेट मंत्री अनिल विज के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधिकारियों ने विज के इस रवैये पर नाराजगी जताई है। करनाल में मुख्यमंत्री खट्टर ने विज और एसपी विवाद मामले पर कहा, अफसरशाही हावी होने का कोई विषय नहीं है, अभी वो मामले की रिपोर्ट लेंगे और फिर बाद में कुछ बताएंगे। हरियाणा के सीएम कार्यालय में बड़ा फेरबदल, सीएम के ओएसडी, राजनीतिक सलाहकार और प्रधान सचिव के विभागों में किया गया बंटवारा। प्रधान सचिव आर के खुल्लर की शक्तियां बढ़ाई गई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग आर के खुल्लर को दिए गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को कथित धान खरीद घोटाला मामले में ज्ञापन सौंपा। उनके साथ कई कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। हुड्डा ने खट्टर सरकार को जांच बैठाने की चुनौती भी दी। वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने हुड्डा के आरोपों को बेबुनियाद बताया। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को पीएमएलए के तहत ईडी ने जारी किया नोटिस, पूछताछ के लिए किया तलब। वीरभद्र के एजेंट वकामुल्ला चंद्रशेखर को भी ईडी का नोटिस, सीएम से प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स रिटर्न की मांगी डिटेल। फिलहाल घोषित नहीं होंगे पहले चरण के पंचायती राज चुनावों के नतीजे, दूसरे चरण के नतीजों के साथ ही होगी घोषणा। दूसरे चरण की पंचायतों के साथ घोषित होंगे पहले चरण की 57 पंचायतों के नतीजे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के रोस्टर को लेकर सियासत जारी, बीजेपी ने एक बार फिर रोस्टर को लेकर कांग्रेस पर उठाए सवाल और रोस्टर में हस्तक्षेप कर धांधली का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने कहा बीजेपी इस तरह की बयानबाजी कर राजनीति कर रही है। 30 नवंबर से शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष के तेवर तल्ख, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी, तो वहीं सरकार के रणनीतिकार भी विपक्ष के तोड़ तलाशने में जुटे हैं। सीएम खुद विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद तेज कर दी है। शुक्रवार को शिमला में कई अहम मुद्दों को लेकर हिलोपा की बैठक हुई, बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई, साथ ही पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने राज्य सरकार पर सवाल भी उठाए। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से प्रदेश की राजधानी शिमला को हेरिटेज सिटी घोषित किए जाने की मांग की है। शिमला में इसकी जानकारी हिमाचल पर्यटन विभाग के वाइस चेयरमैन विजय सिंह मनकोटिया ने दी। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से इस बारे में मुलाकात हुई है, धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाए जाने पर मुहर लग चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, भारत और पाक को सिर्फ बातचीत से हल निकालना चाहिए। श्रीनगर के पुराने शहर को जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज खत्म होते ही लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लहराया और जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। अंबाला में हैफेड के गोदामों में गेहूं की बोरियां चोरी होने और खुले में अनाज सड़ने के मामलों में अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है, क्योंकि नुकसान करोड़ों में हुआ है, गेहूं के 15,000 कट्टे गायब है।
हिमाचल प्रदेश में मैगी की प्रोडक्शन को सरकार की हरी झंडी, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक मैगी को बाजार में भेजने से पहले जयपुर, मोहाली और हैदराबाद की लैब से मंजूरी लेना जरूरी। साइबर सिटी गुड़गांव में डेंगू का कहर जारी, नवंबर के महीने में डेंगू के करीब 70 से ज्यादा मामले सामने आए, मरीजों की संख्या में कमी के बजाय इजाफा हुआ, वहीं लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। मानसा जिले के किसान अपने फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि नहीं मिलने से परेशान है, हालांकि प्रशासन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि किसानों को मुआवजे के चेक दिए जा रहे हैं, लेकिन मानसा के किसानों का आरोप है कि उन्हें अब तक कोई चेक नहीं मिला है, किसान बैंकों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद के डिजास्टर मैनेजमेंट में शामिल करने का जो है सुझाव दिया गया है चंडीगढ़ में। फरीदाबाद में शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने लड़की के परिवार वालों के सामने 11 लाख और एक स्विफ्ट कार की मांग कर दी, जिसके बाद लड़की वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, लड़की के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। कैसे बढ़ाए अपने बिजनेस को आगे, कब देता है कर्मचारी अपने मालिक को दगा, कैसे जूझे बेईमान कर्मचारियों से, प्रमुख कर्मचारियों को कैसे अपने साथ बनाए रखे, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शाम 7 बजे। श्री आनंदपुर साहिब में 13वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। 2 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा के अलावा एसजीपीसी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने भी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा के क्षेत्र के लिए अवतार सिंह मक्कड़ को सर्वोत्तम विद्यादानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सड़कों पर खतरा बनते लावारिस जानवर बन रहे हैं हादसों की वजह, लावारिस जानवरों को सावधान करने की मुहिम जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का, आज दिन भर देखिए मिशन सेफ्टी।